हेलो गाइस, रिसेट टीची में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख पा रहे हैं रियलमी नार्जो 30A फ़ोन है। इसके पहले मैं हार्ड रिसेट वीडियो बनाया था, लेकिन दोस्तों काफ़ी दोस्तों को यहां पे पैटर्न में अटक जा रहे थे या फिर आप जीमेल आईडी या पासवर्ड भूल चुके थे। ओके, उसके लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। तो इसमें दोस्तों आज ये बताऊँगा कि आपका अगर पैटर्न याद नहीं है, जीमेल आईडी पासवर्ड याद नहीं है, तो आप निकलिएगा कैसे इस प्रोसेस से। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न यहाँ पे भूल चुके हैं। ओके, ये मैं हार्ड रीसेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आ गया है। ओके, यहाँ पे कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल वाला पेज आ गया, लेकिन यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि जीमेल आईडी और पासवर्ड दे के आगे बढ़ने, तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब करना क्या है ये देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले दोस्तों आपको बैक करके वही पेज में जाना पड़ेगा जो हार्ड रीसेट करने के बाद सबसे फर्स्ट पेज जो आता है। ओके, यहाँ पे देखिए बैक कर रहे हैं। ओके, जिस तरीके से बैक कर रहा हूँ आपको सिर्फ बैक करके होम पेज में जाना है, जो फ्रंट पेज मतलब फ्रंट पहला वाला पेज था। ओके, यहाँ पर बैक करता हूँ, ये देखिए जिस तरीके से आया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज वाला जो पेज है ना, इसमें आपको इमरजेंसी कॉल देखने को मिल जाता है। इस पर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद स्टार हैच, ओके, यहाँ पे 813 देख लीजिए ये कोड है। ओके, और यहाँ पे हज दे देना है। हज देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ये देखिए ये आपका डायरेक्टली होम पेज में आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे सेटिंग में जब जाते हैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी गूगल अकाउंट रिमूव हो चुका है। लॉक करके दिखाता हूँ, ये देखिए लॉक भी हट चुका है। तो फ्रेंड्स कितना सिंपल प्रोसेस था। आपका भी फ़ोन में अगर इस तरीके से जीमेल आईडी पासवर्ड लग चुका है, ये कोड डालिए, आपका फ़ोन डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे होम पेज में सिर्फ आ चुका है, ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो फिर वही पेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार और चेक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले हम फ़ोन को ऑफ कर लेते हैं, देखिए फ़ोन को ऑफ कर लिया हूँ। ओके, ऑफ हो गया है, अब इसे ऑन करते हैं। अब देखते हैं ये गूगल वाले पेज में अटकता है या नहीं अटकता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से इसे यूज़ कर लीजिएगा। और ये आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी फ़ोन ऑन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे वीडियो कट नहीं करेंगे, जो भी होगा आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली होम पेज में आ चुका है। ओके, मतलब फ़ोन पूरा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे गूगल में एक बार जाके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।